एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, आई एम सिनुलेखा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिनु लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज है सैटरडे और जो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 12:30 बज रहे हैं। एंड आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अपनी, मतलब आप से समझ लीजिए लाइफ की बहुत ही प्यारी सी एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसे मैं बहुत टाइम से सोच रही थी लेने के लिए, बट थंबनेल में ऑलरेडी आपको पता चल ही गया होगा। सो गाइज, मैंने ले लिया है ना। सो गाइज, ये है मेरा फ़ोन, ये है मेरा आईफोन, और मैंने बहुत सारे फ़ोन यूज़ किए हैं, बट ये मेरा लाइफ का फर्स्ट आईफोन है, जैसे मेरे हस्बैंड ने अभी मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया है। मेरा बर्थडे था तब तो उन्होंने नहीं गिफ्ट किया था, उसके बाद मैंने इसे अभी लिया है। इसे लिए 4 से 5 दिन हो गए हैं, बट मैं शेयर आज आपके साथ कर रही हूँ, और इसकी जो अनबॉक्सिंग की क्लिप है वो मैं इसके बाद आपके साथ शेयर करूँगी। एंड वो जो मोमेंट था मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी मोमेंट था, क्योंकि आईफोन यार लेना सब लोग चाहते हैं। तो मेरा है आईफोन 13, बस इतना ही, अभी प्रो मैक्स तक नहीं मैं पहुंची हूँ, इंशाल्लाह वहाँ तक भी ज़रूर पहुँचूंगी, वहाँ तक भी वो भी मैं कभी ज़रूर लूँगी, बट ये तो मेरे अभी हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया है। सो ये है कुछ पिंक कलर का, पाउडर पिंक बोल रहे हो या मतलब पिंक बेबी पिंक कलर का है। सो गाइस, ये है वो मेरा फ़ोन, ठीक है। तो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो की क्लिप जो मैंने शॉप पर अनबॉक्सिंग की थी वो मैं आपके साथ इसके बाद में शेयर करूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा फ़ोन। तो ये है वो मेरा फोन, इसको यूज करने के बाद मैं तो मतलब पहले मैं सोच रही थी आईफोन, क्योंकि जो लोग एंड्रॉयड यूज करते हैं फिर आईफोन के सारे फंक्शन बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं, तो उसको यूज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो 2 से 3 दिन के अंदर मैं आईफोन में प्रो हो गई हूँ, क्योंकि मुझे सारे फीचर्स और सारे फंक्शन सब समझ में आ गए हैं, और वीडियोस इसलिए भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, मतलब वीडियोस मेरी पोस्ट इसलिए भी नहीं हो रही हूँ, क्योंकि ना जो मेरा आईफोन है थोड़ा सा इसमें जो एडिटिंग ऐप वगैरह है वो मैंने डाउनलोड की, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारा डेटा इस फ़ोन का इस फ़ोन में मैंने किया है, तो बहुत ज़्यादा वो है। तो ये मेरा फ़ोन है, देन आपको जैसे पता है चार्जर नहीं आता है, तो इसके अंदर मेरा चार्जर है। देन मैंने ले लिया है आईफोन का कवर भी, तो ये है ब्यूटीफुल सा कवर, तो इसके साथ ये और भी ज़्यादा मतलब प्रिटी लग रहा है लगाने के बाद। तो ये देखो आप, मतलब इतना ज़्यादा स्मूथ चल रहा है ना, तो मज़े ही आ गए इसको तो यूज़ करने के बाद। है ना मस्त, तो मुझे तो बड़ा ही प्यारा लग रहा है, अमेजिंग सी फीलिंग आती है जब हम इसको यूज़ करते हैं। तो किसी मतलब बहुत सारे लोगों के पास तो होगा, तो किसी को तो लग रहा है कि मैं ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, बट मेरे पास नहीं था और मैंने अब ले लिया, तो मुझे बहुत ही अच्छी हैप्पी वाली फीलिंग हो रही है। तो ये है, एंड थैंक यू सो मच माय डियर हस्बैंड कि उन्होंने मुझे ये मतलब दिलाया है, मेरा फ़ोन है। चलिए, तो अभी मैं जा रही हूँ किसी के घर पर, तो इसलिए मैं रेडी होकर बैठ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग भी स्टार्ट किया जाए। सो मैं जा रही हूँ अपने एक रिलेटिव के यहाँ, तो मैं रेडी वेडी हो गई हूँ और मैं निकलने वाली हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ ये भी शेयर कर लिया जाए। तो ये सब मतलब अब मैं रखती हूँ इसको और फिर मैं निकलती हूँ, क्योंकि उनको हम लोगों ने 2 बजे का टाइम दिया था, उनके घर जाना है, और उससे पहले शायद हम पार्लर भी जाएँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है पार्लर में, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं उससे पहले, और नहीं भी कुछ अभी पता नहीं है मुझे।
सो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे आफ्टरनून का टाइम और हम लोग जा रहे हैं अपने रिलेशन में. तो फर्स्ट टाइम उनके घर जा रहे हैं, तो हम लोग ने यहाँ पर उसके लिए स्वीट बाय की है यहाँ पर आकर. और बहुत टाइम के बाद हम लोग उसके घर जा रहे हैं. सो मैं हूँ, मेरी भाभी हैं और मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई थी, तो वो भी गई थी साथ में. तो हम लोग ने यहाँ पर, और कोई था नहीं घर पर, तो हम लोग टैक्सी से गए थे उसके घर पर. देन शाम में हम लोग आ गए थे. एंड देन दूसरे दिन है ईद मिलादुन्नबी, तो यही सारी चीज़ें मेरा भाई सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, क्योंकि जुलूस निकलता है और ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर जो भी लोग निकलते हैं उन सबको देने वाले हैं. जैसे कि, और उसमें पानी की बॉटलें अभी नहीं आई हैं, वो कल वो लेकर आएगा. तो ये सारा ही ऑर्गेनाइज़ मेरा भाई करने वाला है, तो पूरा उसने सेटअप वगैरह किया हुआ है, वो आगे वीडियो में शेयर करूँगी. तो ये सारी चीज़ें ये खुद से लेकर आया था. और ये हमारे जो कॉलोनी में ये डेकोरेशन की गई थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी. तो हम लोग के घर के सामने एक जो पेड़ है उसको हम लोग ने डेकोरेट करवा दिया था, तो माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा लग रहा था. ये पेड़ है हमारे घर के सामने, तो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह हम लोगों ने लगा दी थी. तो ईद मिलादुन्नबी की ये एक दिन पहले वाला दिन है और ये है ईद मिलादुन्नबी वाला दिन. तो हम लोग ने मॉर्निंग में, संडे था, तो ये सारी चीज़ें का नाश्ता किया था, जलेबी समोसे एंड कढ़ी, जो दही के साथ जलेबी बहुत ही टेस्टी लगती है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने ब्रेकफास्ट में की. एंड ये अब ना दोपहर का टाइम हो गया था, तो ये सारा ही जुलूस निकलता है ईद मिलादुन्नबी में. तो ये आप देख सकते हो कितना ही माशाल्लाह प्यारा जुलूस था और ये निकला था. तो ये मैंने ना वीडियो बनाई थी बाहर से, तो ये आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें. ये देखो मेरा भाई है यहाँ पर, वो ही सारी चीज़ें यहाँ पर सबको दे रहा है, क्योंकि लोग निकलते हैं तो जब ये जुलूस निकलता है लोगों को बहुत थकान वगैरह हो जाती है. तो कुछ खाने पीने का हो गया, पानी हो गया, और कुछ भी केक वगैरह जो भी हम दे सकते हैं वो हम लोग ने किया था. देन आप ये देखो, ये मार्केट से भी निकला था ये जुलूस. तो वही सारी जो क्लिप है वो मैं आपके साथ छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर रही हूँ. तो ये हर शहर में या जो भी जहाँ पर रहता है हर जगह होता ही है. तो ये आप देख सकते हो. तो ये जो बीच में खड़ा है ये मेरा भाई है, आप देख सकते हो यहाँ पर. और ये इस तरह से इन लोगों ने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छे से हो गया था. और मेरे भाई को ये सारी चीज़ें करने का बहुत शौक है, तो वो करता रहता है. और ये हमारे यहाँ की ये मस्जिद है जो इस तरह से हम लोग ने डेकोरेट करवाई थी और माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी. छोटी सी क्लिप थी मेरे पास, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. और रात के टाइम पे हमारी कॉलोनी में सारे ही सब लोगों ने, भाई ने और जितने भी लोग थे, मिलकर यहाँ पर हम लोग ने तकरीर ऑर्गेनाइज़ करवाई थी. तो यहाँ मौलाना साहब आए थे और यहाँ पर तकरीर कर रहे हैं, तो और हम लोगों को बता रहे हैं सारी चीज़ें. और यहाँ पर ये सारा अरेंजमेंट किया गया था. जब आदम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की और फिर आदम अलैहिस्सलाम ने सर उठाया तो आसमान पर लिखा हुआ देखा मुहम्मद, आसमान पर मुहम्मद लिखा देखा, और उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह.